हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं और कैसे हम फ्री स्पेस निकाल सकते हैं इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे जाके देखिए, जिसमें मैंने रिलेशनशिप बताया था बिटवीन सेल एज एंड रेडियस ऑफ एन एटम के बीच में। अगर आप उसे देखेंगे तो इट इज इजी फॉर यू, जिसके वजह से आपको ये टॉपिक बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? सो पैकिंग फ्रैक्शन जिसे हम लोग पीएफ भी लिखते हैं, और ये इक्वल होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। मतलब एक क्यूब में एटम का कितना वॉल्यूम है, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज इक्वल टू कैपिटल वी। तो हमें पता है कि हम क्यूब का जो वॉल्यूम होता है इट इज इक्वल टू ए क्यूब। तो आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, क्योंकि आपको पता है हम यूनिट सेल सॉलिड स्टेट के केस में हम हमेशा क्यूब को पढ़ते हैं, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। इट मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहां पे क्या रहेगा, ए क्यूब रहेगा। और इस क्यूब में एटम का कितना वॉल्यूम है, एटम ने कितनी जगह भरी है, वो कहलाएगा आपका स्मॉल। इसके बाद हम लोग निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ये बड़ा इजी है, जैसे ही आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और हमें मिल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज में। और पैकिंग एफिशिएंसी से हमें पता चल जाएगा कि क्यूब के अंदर एटम ने कितना वॉल्यूम या कितना स्पेस घेरा है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे फ्री स्पेस कैसे निकलेगा। आपको पता है अगर पैकिंग एफिशिएंसी आपको मिल जाती है तो आप क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे पैकिंग एफिशिएंसी को, और हमें मिल जाएगा फ्री स्पेस की खाली जगह एक क्यूब के अंदर कितनी है, वो हो गया आपका फ्री स्पेस, और एटम ने कितना वॉल्यूम घेरा है वो हो गई आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो लेट्स स्टार्ट फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एससीसी के केस में हमें पता है कि सारे एटम होने चाहिए कॉर्नर पे, सो दिस इज अ क्यूब, और हमें पता है क्यूब की सारी साइड्स इक्वल है, तो उस इक्वल साइड को हम लोग यहां पे मान लेते हैं एज लेंथ, ए यहां पे एज लेंथ है, और सारे एटम कॉर्नर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पे जो ए है दिस इज नोन एज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और स्मॉल आर क्या होता है, आपको पता है स्मॉल आर होता है रेडियस ऑफ एटम। मतलब यहां पे जो एटम्स हैं कॉर्नर पे, जो एटम्स हैं उनका जो रेडियस है वो स्मॉल आर। हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन, एंड वी नो दैट पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल एंड दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज इक्वल टू कैपिटल वी, तो आपको पता है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमेशा क्या रहेगा, ए क्यूब, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है इसलिए वॉल्यूम उसका ए क्यूब निकलता है। इफ यू मूव टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम निकालते हैं यूनिट सेल विच इज इक्वल टू स्मॉल वी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। तो आपको पता है अगर मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना है तो हम यहां पे एटम को कंसिडर करते हैं एज अ स्पेयर, और स्पेयर का जो वॉल्यूम निकलता है वो यहां पे क्या निकलता है, 4/3 πr³। और टोटल नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक के केस में कितना निकलता है, 1, कितना निकलता है 1। तो आपको ये क्लियर हो गया कि स्मॉल वी क्या है, यहां पे 4/3 πr³ विच इज अ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्योंकि हम यहां पे एटम को स्पेयर कंसीडर करते हैं,
और सिंपल क्यूबिक के केस में z की वैल्यू क्या होती है 1। और हमें पता है, वी नो दैट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल क्यूबिक के केस में जो रेडियस आता है वो आता है a by 2। तो आपको क्या करना है, इस रेडियस की वैल्यू ऊपर वाले रेडियस में पुट कर देनी है। तो हमें यहां से मिल जाएगा स्मॉल v, और स्मॉल v कितना मिलेगा 4/3 pi। ऊपर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा a क्यूब, नीचे आ जाएगा 8 × 1, तो ये 4 × 4 = 8, which is equals to a क्यूब pi upon 6। So, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको पता आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आपने निकाला a क्यूब पाई अपॉन 6, और कैपिटल बी आपका क्या है a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब चला गया, सो वी हैव पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पाई बाई 6, और पाई की वैल्यू आपको पता लगे 3.14, तो जैसे आप 3.14 डालेंगे ये आंसर निकलेगा 0.524, तो ये निकल गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। सो दिस इज योर पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो आपको पता है आपको पैकिंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो जैसे आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मींस दैट ये निकलेगा 52.4%, मतलब 52.4% जगह एटम ने ऑक्यूपाई की है सिंपल क्यूबिक के केस में। और अगर मैं बात करता हूं फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी निकला था, इट मींस 52.4, तो ये आपका आ जाएगा तकरीबन 47.6%, मतलब इतनी जगह यहां पे क्या है खाली, और 52.4% यहां पे जगह एटम ने क्या की है ऑक्यूपाई की है इन केस ऑफ सिंपल क्यूब। सो लेट्स मूव टू एफसीसी। तो अगर हम एफसीसी की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है, सिंपल क्यूबिक को हटाना है और इसके जगह पे लिख देना है एफ, सॉरी पहले बीसीसी की बात कर लेते हैं, बी सी सी। तो अगर हम लोग बीसीसी की बात करते हैं, तो हम लोग अगर बीसीसी की बात करते हैं तो आपको पता है पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, और बीसीसी के केस में सारे एटम कॉर्नर पे तो होते ही हैं और एक बॉडी के सेंटर में भी होता है, जिसमें हमने ए को माना है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, आर को माना है रेडियस ऑफ एटम, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, कैपिटल बी हमारा आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, और जैसे ही हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल स्मॉल बी की बात करेंगे तो आपको पता हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। तो निकाल देते हैं स्मॉल बी यहां पे कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम जिसको हम स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 pi r³, और जेड की वैल्यू बीसीसी के केस में क्या आती है 2 आती है। और आपको पता है बीसीसी के केस में भी नो दैट बीसीसी के केस में जो रेडियस आता है वो आता है √3/4a के बराबर। अब आपको क्या करना है, इस रेडियस की वैल्यू इस रेडियस की जगह पे डाल देनी है, यहां से आपको मिल जाएगा स्मॉल v, सो वी हैव स्मॉल v इज इक्वल टू 4/3 pi। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा आपका 3√3/4 × 4 × 4, a का बन जाएगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2। इसे काट दीजिए, काटना है तो ये 3 से ये 3 गया, इस 4 से ये 4 गया, और कुछ नहीं जा रहा है, और ये जा रहा है 2 × 2 = 4, तो हमें यहां पे मिल रहा है √3a³ pi अपॉन में आ रहा है हमारे पास 2 × 4 = 8, तो ये मिल गया हमें स्मॉल बी। पुट स्मॉल बी एंड कैपिटल बी इन इक्वेशन 1, तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यू रखोगे तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन क्या मिलेगा, स्मॉल बी आपका आया है √3a³ pi / 8 एंड डिवाइडेड बाई a³, a क्यूब से a क्यूब चला गया, सो वी हैव √3a³ pi। आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 या 3.14, और आपको ये मिलेगा 0.68। इट मींस दैट हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है बीसीसी के केस में वो कितना आता है 0.68। इसके बाद हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये रहा पैकिंग एफिशिएंसी, जैसे ही निकालना तो आपको पता है हमें जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा होगा हमारा उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये निकल जाएगा 68%। इट मींस दैट एटम ने जो जगह ऑक्यूपाई की है क्यूब में वो 68% है, तो खाली जगह कितनी बची हमारे पास,
फ्री स्पेस, तो खाली जगह बीसी फ्री स्पेस में कैसे निकालेंगे, 100 में से पैकिंग एफिशिएंसी माइनस कर दीजिए 68, तो हमें ये मिलेगा 32%. इट मींस दैट इतनी हमें खाली जगह है इन केस ऑफ बीसी. सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. तो हम लास्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी और फ्री स्पेस निकालते हैं एफसीसी का. सो इफ यू मूव टू द एफसीसी, अगर हम लोग एफसीसी की तरफ जाएंगे फॉर एफसीसी, तो आपको पता है सारे आइटम कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में फेस पे भी होंगे. तो फेस कितने हमारे पास 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें से ए कहलाएगा एच लेंथ ऑफ यूनिट सेल, आर कहलाएगा रेडियस ऑफ एटम, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, जिसमें कैपिटल बी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होगा, और स्मॉल बी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम इन केस ऑफ एफ सी सी. तो चलिए स्मॉल बी निकालते हैं. सो स्मॉल बी के केस में वॉल्यूम ऑफ एटम जिसे हम स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो वॉल्यूम कहलाएगा 4/3 πr³, और जेड की वैल्यू एफसीसी के केस में निकलती है 4, एंड वी नो दैट एफसीसी के केस में जो रेडियस आता है वो कितना आता है, a अपॉन 2√2. अब इस रेडियस की वैल्यू, इस रेडियस की वैल्यू आप ऊपर रख दीजिए जहां से आपको स्मॉल बी मिल जाएगा, तो स्मॉल बी क्या आएगा 4/3 πr, और ये बन जाएगा a cube, ये बन जाएगा 8 × √2 × 4, काट दीजिए 4 × 2 = 2, तो ये आ रहा है आपका पाई a cube, इस 2 से ये 2 भी गया, तो नीचे बच रहा है 3√2. अब आपको क्या करना है, स्मॉल b और कैपिटल b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखनी है. तो जैसे ही आप वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या आएगा, पाई ए क्यूब अपॉन 3√2, ये आपका स्मॉल बी है, कैपिटल बी आपका ए क्यूब है, इसलिए चला जाएगा. तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आपका आता है एफसीसी के केस में वो आता है पाई अपॉन 3√2, जिसमें आप पाई की वैल्यू जैसे ही रखेंगे ये आ जाएगा 0.74. तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है एफसीसी के केस में वो होता है 0.74. अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको पता है हमें 0.74 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और ये आ जाएगा 74%. इट मींस दैट एफसीसी के केस में जो एटम ने जगह घेरी है वो कितनी है, 74%. तो खाली जगह कितनी बची हमारे पास, फ्री स्पेस. तो फ्री स्पेस कैसे निकालेंगे, 100 में से हम पैकिंग एफिशिएंसी माइनस कर देंगे, तो वी गेट 26%, मतलब इतनी खाली जगह रही होगी एफसीसी के केस में. तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का एंड फ्री स्पेस निकालने का इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी. और हमें यहां से एक चीज पता चली, दैट सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, एफसीसी की, देन बीसीसी की, देन सिंपल क्यूबिक की. इसकी होती है 74% जगह यहां पे एटम ऑक्यूपाई करता है, इसमें 68% करता है, और इसमें अराउंड 52% जगह कौन ऑक्यूपाई करता है, एटम्स. और अगर मैं बात करता हूं फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है, सिंपल क्यूबिक में, देन बीसीसी में, देन एफसीसी में. इसमें फ्री स्पेस सिर्फ 26% है, मतलब इतनी खाली जगह. इस वाले में हम लोगों ने कितना देखा था, इस बारे में निकाला 52, इट मींस दैट यहां पे था 46.47% खाली जगह, और बीसीसी केस में हम लोगों ने देखा था 32% यहां पे सिर्फ खाली जगह थी. सो दीज आर द डेरिवेशंस हाउ टू फाइंड आउट द पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एंड फ्री स्पेस इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड एफसीसी. होप यू लाइक माय लेक्चर. इफ यू लाइक माय लेक्चर प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच.